देखो विस्कोसिटी में ये बताया हुआ है कि सबसे पहले अगर मान लो दो लेयर्स हैं लिक्विड की और वो मूव कर रही हैं, तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या डेवलप हो जाती है, फॉर्मूला नोट करना है, माइनस ईटा ए डी वी बाई टी एक्स, फिर ईटा इज कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, हमने एनसीईआरटी में फॉर्मूला किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा फॉर्मूला विस्कोसिटी का ये था, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल ये था कि अगर मान लो ये कोई भी फिल्म है, हमने एनसीईआरटी में किया हुआ है न्यूमेरिकल में से ये किया हुआ है कि कैसे ये फॉर्मूले को यूज करना है। इसके इसके बेस पे जो अगला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, पॉइसलीज फॉर्मूला, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड किसी भी पाइप में क्या होता है, पाई बाई एट पी आर फोर बाई ईटा एल, ये भी हमने किया हुआ है। फिर हमने किया इसमें स्टोक्स लॉ, कोई भी स्फेयर अगर लिक्विड में गिर रहा है तो लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स लगाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है, सिक्स पाई ईटा आर वी, ये भी हमने किया। इसके बाद हमने किया टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल में ये किया कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी नीचे गिर रही है तो क्यों नीचे गिर रही है, इसका वेट इसे नीचे गिर रहा है, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी ऊपर लग रहा है और अपथ्रस्ट भी ऊपर लग रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब सम ऑफ दीज टू फोर्सेज एंड दिस फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे केस में ये टर्मिनल यानी कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। इसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था, और ये फॉर्मूला नोट करना है तो ये नोट कर लो, फॉर्मूला ऐसे नोट करना, टर्मिनल का फॉर्मूला है 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा इनटू जी, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी है और ये डेंसिटी ऑफ मीडियम है, ऐसे नोट करना, डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, ऐसे हमने याद किया था एनसीईआरटी के अंदर भी सेम किया था। ठीक है यहां तक। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है और यही मेंस वालों ने यही उठा के उसमें डाल दिया, यही क्वेश्चन आया, वो दिखाता हूँ अभी, नीट मेंस में बहुत फेमस है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें किया हुआ। 8 रेन ड्रॉप्स हैं, कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया, छोटे ड्रॉप का रेडियस पता है तो बड़े ड्रॉप का रेडियस वॉल्यूम इक्वेट करके आ गया। अब वो कह रहा है कि एक छोटा ड्रॉप नीचे गिरता है विद अ टर्मिनल ऑफ 5, बड़े ड्रॉप की टर्मिनल क्या होगी, किया था हमने ये, टर्मिनल का फॉर्मूला लिखें, बॉडी किसकी बनी हुई है, वाटर की, तो पहली डेंसिटी वाटर की, और किस में गिर रही है, मीडियम क्या है, एयर, तो दूसरी एयर, चाहे छोटा गिरे चाहे बड़ा गिरे, डेंसिटी जी ईटा सेम है, सिर्फ आर फर्क है, तो टर्मिनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो छोटे ड्रॉप की टर्मिनल 5 है और रेडियस पता है, बड़े का रेडियस निकाल लिया हमने, टर्मिनल निकाल लिया, डिवाइड करके आंसर, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो टर्मिनल के ऊपर ये देखो, इसके बाद ये जो क्वेश्चन देखो, इसमें टर्मिनल के ऊपर ग्लिसरीन जिसकी डेंसिटी क्या है, रो, इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉनिकल सेक्शन ऑफ दी पाइप, एक मिनट, नहीं ये नहीं है, रेट ऑफ फ्लो का ये, एक स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस पता है, जिसकी डेंसिटी पता है, ड्रॉप्ड इन अ ग्लिसरीन ऑफ विस्कोसिटी ईटा पता है और डेंसिटी पता है, तो रो का मतलब बॉडी की डेंसिटी, ईटा का मतलब ग्लिसरीन यानी कि मीडियम की डेंसिटी, विस्कस फोर्स ऑन दी बॉल व्हेन इट अटेन्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कौन सी, टर्मिनल, तो विस्कस फोर्स पता है, एक्स निकाल लो। देखो विस्कस फोर्स का एक ही फॉर्मूला मुझे आता है, 6 पाई ईटा आर, अब वी जो इसमें किसकी बात कर रहा है, टर्मिनल, तो एक काम करो आप पहले टर्मिनल का फॉर्मूला लगाओ, टर्मिनल के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को क्या करो, पुट करो, पुट करके टर्मिनल निकाल लो, उस टर्मिनल को यहां पुट कर दो, पुट करके सारी वैल्यूज पुट करके फोर्स निकाल लो, फिर जो फोर्स की वैल्यू आएगी उसको इसके साथ कंपेयर करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। लॉजिक समझ में आ रहा है, आपको एफ पूछ रहा है ना, अगर आपको एफ दे रहा है, एफ दे रहा है, पावर पूछ रहा है क्या होगा, तो एफ होता क्या, ये होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, टर्मिनल, पहले टर्मिनल निकालनी पड़ेगी तभी एफ आएगा, एफ आएगा फिर कंपैरिजन से एक्स आएगा, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पुराने पेपर मिलेगा आपको ये कॉन्सेप्ट, जैसे ये क्वेश्चन देखो, 8 इक्वल ड्रॉप, स्टेडी स्पीड 10, ड्रॉप कंबाइन हो गए, न्यू वेलोसिटी, टर्मिनल, अभी कराया मैंने शीट का क्वेश्चन,
जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो इसके अंदर कैसे टर्मिनल निकालते हैं, वैल्यूज चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, ये रहा क्या है, एयर बबल जिसका डायमीटर गिवन है, रेडियस आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी गिवन है यानी कि सिग्मा गिवन है, एयर बबल की डेंसिटी रो है, पता नहीं लेकिन मुझे क्या है, ये मुझे पता है क्या है, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगी ये निकालना है, क्या गिवन है इसमें, एट अ रेट ऑफ, ये वेलोसिटी गिवन है तो ये कौन सी है, टर्मिनल है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में इस बार एक ट्रिक खेल गया थोड़ा सा वो, क्या इसमें टर्मिनल पूछ रहा है, आर पता है, ईटा पता है, जी पता है, सिग्मा भी पता है, एयर बॉडी की डेंसिटी नहीं पता, तो एयर बबल की डेंसिटी नहीं पता, वो कहते हैं कि निगलेक्ट कर, तो कह रहा है इसकी डेंसिटी बहुत बड़ी है, इससे कैन बी निगलेक्टेड, छोड़ दो, सॉल्व करके आंसर आ गया, ये किया इसने।